जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में हम देख रहे हैं रिसीप्ट वाउचर के बारे में, और कल हमने रिसीप्ट वाउचर के कुछ क्वेश्चन किए हुए थे। और आज हम को क्या करना है कि बिल वाइज किसी से हमें पेमेंट रिसीव करना है, यानी अपने कस्टमर से हमें पैसा रिसीव करना है बिल के द्वारा। ठीक है, उससे पहले कुछ बच्चों का क्वेश्चन है कि सर क्लोजिंग स्टॉक में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो चलिए वापस चलते हैं, थोड़ा सा क्लोजिंग स्टॉक देख लेते हैं, फिर पूछिए जो भी डाउट्स हैं आपके और पूछ लीजिए, फिर मैं आगे आगे काम करूंगा। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक 3,20,000 वाला निकाल दें पहले, ये रहा 3,20,000। बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप। जेसी जो एसएसएन जो कोड है, हाँ नहीं आ रहा था क्या, डालने वाला नहीं आ रहा है आप में, नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपना कंपनी ओपन कर लिया जाए, जो कंपनी हमारी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ साथ साथ प्रैक्टिकल करिए, क्योंकि बहुत पीछे जाकर करेंगे दिक्कत आप ही लोगों को, बस कोई बात नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, देख लीजिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ आने के बाद अब क्या करना है, आपको आ जाना है क्रिएट में और स्टार्ट ग्रुप में, कैटेगरी सॉरी आइटम बना रहे थे ना, या ग्रुप ही बना रहे, वाले ग्रुप ही बना रहे हैं, चलो ग्रुप ही, मतलब कोई भी ग्रुप हो गया, कोई भी ग्रुप, इंटर इंटर किया तो यहाँ अगर एचएसएन नंबर डालने वाला नहीं आ रहा था आप लोग में, हाँ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे F12 दबा देंगे, क्या दबा देंगे, F12, F12 से क्या आ जाएगा बच्चों, कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ अलाउ एचएसएन को यस कर लीजिएगा और सो ऑल जीएसटी टाइप को यस कर लीजिएगा, लिख लीजिए आप फटाक से, आ जाएगा। या प्लस से कन्फिगेशन में जाएंगे, देख लीजिए, अगर मैं सुन लीजिए एक बार थोड़ा सा, अगर मैं इसको नो कर देता हूँ, इसको नो कर दिया और लास्ट वाले को नो कर दिया, देखिए अब कुछ नहीं आएगा, देखिए कुछ आ रहा है, आप लोग में ऐसे ही आ रहा होगा, आप लोग में ऐसे ही आ रहा है ना इंटरफेस, हाँ क्या दबाएंगे, F12 एसेशन को यस करेंगे और लास्ट वाला ऑप्शन क्या, लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, सो आज जीएसटी टाइप, जीएसटी के सारे टाइप देखने चाहिए, यस कर देंगे, अब सब ऑन कर, देखिए क्या क्या सेस ए सेस होता है एजुकेशन वगैरह आपको लगता है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, चलिए तो भी बात समझ में आ गई, आप लोग वापस आ जाते हैं। आज एंट्री कहाँ करना है, हमें वापस चलते हैं वाउचर में, वाउचर में किस वाउचर में, F6 से रिसिप्ट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर आके चलिए क्वेश्चन किया जाए। कल कहाँ तो हुआ, 4 क्वेश्चन तक हुआ था ना, नहीं एक बताया, चौथा तो बताया नहीं थे, पेमेंट रिसीव करके दिखाए थे, वो सुप्रीम कंप्यूटर से, एक बार और बताना पड़ेगा, अच्छा ठीक है बता दे रहे हैं, फिर बता दे, सबसे पहले डे बुक में जाकर उसको डिलीट कर दें, अल्ट F2 1 4 से लेके 31 3 क्या 24, लास्ट क्वेश्चन जो किया है 15,400 क्या कर लिया जाए, अल्ट प्लस ओपन कर दें, हो गया, चलिए समझिए। अब ऐसा मान लीजिए कि हम 3 ही क्वेश्चन बताए थे कि जहाँ ब्याज रिसीव मिला था SBI अकाउंट में, इंटरेस्ट रिसीव हुआ था, इनकम हुआ था, क्रेडिट कर दिए थे और बैंक हमारा पाया, तो बैंक पाने वाला हो गया इसलिए बैंक को डेबिट कर दिए थे। अब क्या करना है कि हम पैसा पा रहे हैं, रिसीव हो रहा है कितना 15,000 रुपया, किसके द्वारा, सुप्रीम कंप्यूटर के द्वारा, यानी सुप्रीम कंप्यूटर हमको दे रहा है कितना रुपया, दे रहा है 15,000 रुपया,
और ये कह के दे रहा है कि हम 15,000 रुपए दे के आपसे क्या करवा ले रहे हैं, फुल सेटलमेंट करा ले रहे हैं, तो पूरा पैसा हमारा हिसाब किताब आपका क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इस बिल नंबर से कितना पेमेंट है इस बारे में हमें नहीं पता है, लेकिन ये बात पता है कि 15,000 रुपया दे के वो बोला है कि अब हमारा आपका हिसाब किताब क्या हो गया, बराबर हो गया। यहाँ पेमेंट रिसीव हो रहा है इसीलिए रिसिप्ट वाउचर में आ गया, वाउचर में चले गया। और किस वाउचर में? रिसीप्ट वाउचर में। देने वाला कौन है? सुप्रीम। देने वाला महान होता है इसलिए देने वाले को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। किससे? अगेंस्ट रेफरेंस। किस बिल नंबर से? बिल नंबर यहाँ नहीं आ रहा है, क्या बताए थे अगर बिल नंबर नहीं आएगा तो क्या दबाएंगे, F12 दबाएंगे, और यहाँ पे रिलोकेट वाला ऑप्शन होता है, क्या कर देंगे, यस कर देंगे, क्या कर देंगे, यस कर देंगे। एक मिनट, ओके, डेट चेंज कर लिया जाए ना, डेट और चेंज कर लिया जाए, डेट क्या लगेंगे, F2 दबा देंगे ना, क्या करेंगे, डेट चेंज करना पड़ेगा ना, क्या दबाएंगे, F2, ये तो बहुत धीरे काम कर रहे हैं, F2, F2 से क्या करेंगे, लिख देंगे 1,4 क्या 30 ना, चलो 1,4 गलती आ रही बार भाई, ठीक है, और F2 दबा दिया यहाँ पे, ले लिया 1,4,30,31,30, ठीक है, चेंज कर दिया, वाउचर्स में गए, F2 दबा के डेट क्या कर दिया, 1,4 हो गया। क्या ले लेना है बच्चों, सुप्रीम कंप्यूटर था ना, सुप्रीम कंप्यूटर अगेन सुप्रीम आ गया, अगेन सुप्रीम, पहला बिल उठा लेंगे 50 वाला, 85 वाला है ना, 15,400 का खाली है, हाँ, और कितना कैश दे रहा है हमको, सिर्फ 15,000 रुपए, 15,000 यहाँ लिख दीजिएगा, 15,400 उठाएगा क्योंकि डेबिट क्रेडिट बराबर करना है उसको, ये क्वेश्चन कैसा है, कंपाउंड जनरल एंट्री है, 15,000 रुपए दे दिए। अच्छा बताइए, जब उसको आपको देना था 15,400 रुपया और आपने सिर्फ 15,000 रुपये से लिया है, क्यों, क्यों, क्योंकि आपने 400 रुपये का उसको क्या कर दिया है, तो आपने दिया है तो डिस्काउंट अलाउ होगा, रिसीव होगा, अलाउ होगा, अलाउ डिस्काउंट देना क्या होता है, प्लस होता है कि माइनस होता है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट से डेबिट कर दिया, डिस्काउंट अलाउ क्या कर दिया, डेबिट कर दिया 400 रुपया, बस हो गया, एक क्वेश्चन हो गया, हो गया। अब क्या करना है, अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा नीचे करें, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए यहाँ देखिए 2 अप्रैल को रिसीव हुआ है 14,000 रुपए, कितना 14,000 पैसा आया है, सामने देखो भाई नोट्स को देखिए 14,000 रुपया आया, किसके द्वारा, देने वाला कौन है, देने वाला महान होगा, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट कर दिया जाए, डाटा लिंक टेक्नोलॉजी को क्या कर दिया हमने, डाटा लिंक टेक्नोलॉजी को क्रिएट कर दिया, किस बिल नंबर से दे रहा है, बिल नंबर दिया है 450 वाले से, अगेन रेफरेंस में जाइए 450 वाला उठा लीजिए, कितना पैसा है यहाँ पे 14,400, कितना है 14,400, लेकिन वो हमको दे कितना रहा है, हमको दे कितना रहा है, वो सिर्फ 14,000, यानी हमारे पास कैश कितना आ रहा है, कैश आ रहा है हमारे पास 14,000, यानी बाकी क्या हो गया पैसा 400 रुपए, क्या हो गया, डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट अलाउ कर दिया, कितना रुपया 400 रुपया, बस आसान एक नया आसान है, इस सब एंट्री कैसी एंट्री है, कंपाउंड है, क्या है, ऐसे पहचानना पड़ेगा आपको,
ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे क्या है कि 2 अप्रैल को 12,000 रुपया रिसीव हुआ किसके द्वारा, स्पेक्ट्रम से, अगेंस्ट बिल नंबर 191 के द्वारा कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, 12,000। अब किसके द्वारा वहां पैसा आया है, यहाँ पे यहाँ पैसा कैश नहीं आया है, चेक के द्वारा आया है, किसके द्वारा आया है, और किस बैंक का चेक है, एचडीएफसी का चेक है, लेकिन जमा कहाँ हुआ है, एसबीआई में, किस बैंक पे इफेक्ट पड़ेगा, एसबीआई पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ले लिए, क्या नाम था पार्टी का, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ले लिए, कौन सा बिल नंबर 191 वाला, कितने का है, 12,000 रुपए का ही है। अब 12,000 रुपए हमको दे भी रहा है, कुछ किस बैंक में आ रहा है, एसबीआई ओडी में, किसमें, ओडी एस एसबीआई, आप इसी तरह बनाया है आप लोग, हाँ ओडी एस एसबीआई इसी में आ रहा है, ठीक है। किस नंबर से, चेक नंबर से, चेक नंबर दिया, चेक नंबर हटा दिए, और चेक नंबर बना नहीं आ रहा होगा तो फिर से वही काम, F12 दबाइएगा और यहाँ पे सो इंस्टेंट नंबर यस कर लीजिएगा, इंस्टेंट नंबर अगर नहीं आ रहा होगा, और आ रहा होगा कोई दिक्कत नहीं है, चेक नंबर डालिए, कितना है, 15,17,582। अब देखिएगा, अच्छा ये बताइए किस बैंक का चेक था, कहीं ना कहीं जिक्र होना चाहिए ना, कहीं ना कहीं जिक्र होना चाहिए ना, कहाँ जिक्र करेंगे यहीं पे बैंक नेम में, क्या दबाएंगे, कुछ टाइप करके नहीं टाइप होगा, क्या दबाएंगे यहाँ पे, स्पेस दबाएंगे, क्या दबाएंगे, स्पेस, तो यहाँ एक आएगा ऑप्शन, इसमें कहिएगा स्पेसिफाई बैंक नेम, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, इंटर करिएगा और लिख दीजिएगा क्या हो गया, इंटर, आसान है कि नहीं आसान है, किस बैंक का चेक है वो भी मेंशन कर दिए, चेक नंबर मेंशन कर ही दिए, और किस बैंक में जमा हुआ है ये बात भी मेंशन, बात क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट 7 नंबर वाला, देखो यहाँ बैंक का बैलेंस बता भी रहा है, 3,13,000 रुपया, 3,13,000 रुपया आपने जो एंट्री की है, अगर लास्ट ट्रांजेक्शन आपको रिपीट कराना है तो आप कीबोर्ड से पेज अप बटन दबा देंगे, क्या दबा देंगे, अगर लास्ट जो एंट्री किए होंगे उसको रिपीट कराना है क्या दबा देंगे, कीबोर्ड से पेज अप बटन दबा देंगे, क्या दबा देंगे, लिख लो लिख लो लिख लो, देखिए तो हम आपके फाइल में क्या दिखा रहा है, बैंक का बैलेंस 3,00,000, देखिए तो कितना दिखा रहा है फाइल में, देखिए 3,00,000 जो लास्ट ट्रांजेक्शन हुआ है, 3,00,000 दिखा रहा है, और यहाँ देखोगे सामने, देखा तो सामने सामने देखो, यहाँ पे देखो 3,13,000 और हमारे फाइल में 3,13,000 मैच कर गया, ये लिख लीजिएगा कीबोर्ड में पेज अप बटन दबा, किसी जल्दी सबको नहीं पता होता है, लिख लीजिए आप लोग को, आप लोग एक्स्ट्रा यूनिक बनेंगे, कहीं जाएंगे जॉब करने और एक्स्ट्रा काम करेंगे तो वो भी अप्रिशिएट करेगा आपको, आपके आपके टीचर को, आपकी संस्था का, सबका नाम होगा। हो गया, पेज अप बटन से क्या हो जाएगा, पिछला ट्रांजेक्शन जो भी किया होंगे क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, आ जाएगा सामने। चलिए अगला क्वेश्चन किया जाए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, सुन लीजिए थोड़ा सा, बहुत मजेदार चीज आ गया यहाँ पे, कह रहा है कि रिसीव फुल ड्यू अमाउंट बाय कैश, यानी सुप्रीम कंप्यूटर से जितना पैसा बाकी था सारा पैसा सुप्रीम ने हमको दे दिया, लेकिन वो हमसे 1% क्या ले लिया, डिस्काउंट ले लिया, यानी हम डिस्काउंट उसको दे दिए, डिस्काउंट अलाउ होगा कितना परसेंट, 1%, कितने का, 20,000 का, जो भी अमाउंट होगा, चलो देखते हैं कितना अमाउंट आ रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ ले लेते हैं, पहले सुप्रीम था ना, सुप्रीम जितना भी बिल होगा, सुप्रीम का जितना भी बिल होगा सब उठा लीजिए, क्यों कहा है ना फुल ड्यू हो जा रहा है, तो अगेंस्ट डिफरेंस में आए, पहला बिल उठा लिए 12,000 का, इंटर किया, फिर आ गए किसमें, अगेंस्ट डिफरेंस में, और दूसरा बिल वो भी उठा लिए, दोनों बिल खत्म हो गया, विंड ऑफ लिस्ट, कितना अमाउंट है, 20,000 रुपया, और कितना डिस्काउंट हो जा रहा है, 1%, तो 20,000 का 1%, तो 20,000 का 1%, 20,000 का मतलब गुड़ा, 1% का मतलब 1/100, 2 दिन से 2 दिन का हुआ 200 रुपया, लेकिन फाइल में एंट्री की गई है कितने की, 2,000 की, देखिए 2,000 लिखा हुआ है, यानी इस 1% को क्या बना लिया जाए, 10% बना लिया जाए, क्या बना लिया जाए, आप लोग 10% बना लीजिए इसको, जो 1% लिखा हुआ है उसको 10% बना लीजिए, या जो 1% लिखा हुआ है इसको क्या बना लिया जाए, 10% बना लिया जाए,
दिक्कत है यहाँ तक? चलिए यानी थोड़ा सा क्या कर लिया यहाँ पे, तो डिस्काउंट का कितना देना है? 10%, तो 20,000 का 10% कितना हो जाएगा? 2,000 रुपया। तो यहाँ 2,000 लिख दीजिए। यानी बाकी क्या आएगा? बाकी कैसा पैसा कैसे आ रहा है? कैश आ रहा है, कहा है ना उसमें कैश आ रहा है 1% डिस्काउंट के साथ, यानी 10% डिस्काउंट के साथ, तो हो गया 18,000 कैश आ गया। बाकी आप देख सकते हैं, अब ट्रांजेक्शन मैच करा लीजिए। ठीक है, और क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे, हो गया कर लेंगे। चलिए अगला ट्रांजेक्शन किया जाए, अगला ट्रांजेक्शन किया जाए। नहीं, सबको नहीं करना है, जो बता देगा आपको उसी का करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पूरा अमाउंट आ जा रहा है कैश, किसके द्वारा? डाटा लिंक टेक्नोलॉजी, यानी डाटा लिंक टेक्नोलॉजी का जितना भी पेमेंट होगा सब दे रहा है हमको, यानी देने वाला है। डाटा लिंक टेक्नोलॉजी को क्या कर दिया जाए? क्रेडिट कर दिया जाए। डाटा, सॉरी, डाटा लिंक टेक्नोलॉजी को क्रेडिट करिए अगेंस्ट डिफरेंस में पहला बिल, और फिर क्या करेंगे यहाँ पे अगेंस्ट डिफरेंस में दूसरा बिल। टोटल पैसे कितना होगा? 40,000। और कितना डिस्काउंट देना है? 40,000 का 2%। 40,000 2% कितना होगा? यहाँ कितना दिया हुआ है? 800 रुपया, सही तो है। 40,000 का 2%, तो आप लोग जानते ही हैं 40,000 का 2% कैसे निकलेगा। 40,000 का मतलब 2। अब परसेंट जब हटता है, जब परसेंट हटता है तो बट्टे में क्या लग जाता है? 100 लग जाता है। जब भी परसेंट हटा है तो बट्टे में क्या लग जाता है? क्या लग जाता है बताइए? 100 लग जाता है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, बता 400 रुपया, और 400 दूनी 800 रुपया, 800 रुपया कट गया। क्या लिख देंगे यहाँ पे? डिस्काउंट अलाउ कितना? 800 रुपया। यानी बाकी रुपया क्या देना है? कैश, बाकी कैश बस कर लीजिए, हो गया, कर लीजिए आप लोग। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। अब क्या बचा है बाबू? आखिरी क्वेश्चन, 9 नंबर वाला। यहाँ नहीं, एक और क्वेश्चन इसके बाद भी है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ भी पैसा आ रहा है स्पेक्ट्रम से पूरा, कितना परसेंट डिस्काउंट के साथ? 5%। चलिए निकाल लीजिए स्पेक्ट्रम को, ले लीजिए। यहाँ क्या लेंगे? क्रेडिट कौन होगा? देने वाला स्पेक्ट्रम क्रेडिट होगा। सामने देखिए आप लोग, अगेंस्ट डिफरेंस में पहला बिल, और अगेंस्ट डिफरेंस में दूसरा बिल, और डिस्काउंट अलाउ कितना परसेंट? 5%। 5% मतलब 2,500 रुपया। 50,000 का 10%, 5,000, उसका आधा 2,500, 5% हो गया। अब बाकी क्या चला जा रहा है? कैश है ना, चेक है, कैश ही है, हो गया। ये भी क्वेश्चन हो गया। और आखिरी क्वेश्चन 10 नंबर वाला है कि यहाँ पैसा, यहाँ क्या मिल रहा है आपको? डिविडेंड मिल रहा है। क्या मिल रहा है? डिविडेंड का मतलब होता है बच्चों लाभांश, क्या बोलते हैं? लाभांश। जाहिर सी बात है, इसका लेजर बनाना पड़ेगा डिविडेंड के नाम से। अच्छा, लाभांश है इसका अंडर बुक क्या होगा? एक्सपेंस होगा, इनकम होगा। लाभांश का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कंपनी चला रहे हैं, मैं और तुम क्या पार्टनर है, कोई क्या होता है बिजनेस में, जो भी लाभ होता है दोनों पार्टनर में क्या होता है? बराबर बराबर बटे। तो मान ली लाभांश का मतलब लाभ का अंश, जो भी लाभ हुआ उसका अंश आपका। तो वही एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, लेजर बनाना पड़ेगा डिविडेंड का। क्या लिखेंगे? डिविडेंड रिसीव का एक लेजर बनाएंगे, ऑल्ट सी करेंगे, और यहाँ क्या बना लेंगे? डिविडेंड रिसीव कितने का? इसका अंडर बुक क्या होगा? इनडायरेक्ट इनकम होगा। सोच रहे हैं आप लोग, बताइए, बताने के बाद भी कितना आ रहा है? 5,500 रुपया। कितना आ रहा है? 5,500 रुपया। और किस रूप में? कैश में आ रहा है, खाते में आ रहा है? कैश आ रहा है ना, कैश। कैश को क्या कर दिए? डेबिट कर दिए। कितना? 5,500। हो गया, यही करना है बच्चों, यही करना है। 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया, यही तक आपको करना था। ठीक है, अब बैलेंस शीट चेक कर लीजिए। आप लोग का बैलेंस इतना आना चाहिए, कितना? मेरे बराबर बीजा वाले हैं, लिख लीजिए 5,389,145, लिख लीजिए 5,389,145, इतना बैलेंस आपका आना चाहिए।
5389145 साइड में अंतर लिख लीजिएगा 5389145। यहाँ तक क्वेश्चन कर लीजिए, 10 नंबर तक क्वेश्चन कर लीजिए ऋषि वाउचर। अब कल पढ़ेंगे अगला वाउचर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास। अरे मतलब कल का मतलब जब भी